सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स चेंज। अभी आपने साउंड में देखा होगा, गियर बॉक्स वन साइड पर काम कर रहा था, रिवर्स साइड पे वो मूव नहीं कर रहा था अगर उस पर प्रेशर आए तो इसे रिपेयर करने के लिए हम वॉशिंग मशीन का बैक पैनल खोल लेंगे। यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, इनको निकाल देंगे और ये पैनल रिमूव हो जाएगा। इस पैनल को रिमूव करने के बाद नीचे की साइड जब देखेंगे, डाउन साइड, तो एक मोटर लगी हुई है। दो मोटर होती है इसमें, एक सुखाने वाले सेक्शन में स्पिनर में और एक वॉशिंग वाले सेक्शन में। तो ये आप नीचे से देख सकते हैं, मोटर लगी हुई है और एक पुली लगी हुई है और एक बेल्ट के जरिए इन्हें कनेक्ट किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप ध्यान से, ये वॉशिंग मशीन की वॉशिंग मोटर है, एक बेल्ट बेल्ट के जरिए पुली से कनेक्टेड है ये वॉशिंग मशीन मोटर, बेल्ट और पुली। जस्ट जो पुली बेल्ट पे चढ़ी हुई है उसके टॉप पे देखिए गियर बॉक्स लगा, ये बेल्ट है। बेल्ट के ऊपर देखिए, बिल्कुल ये गियर बॉक्स है, ये पुली मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसके ऊपर ठीक गियर बॉक्स है जो व्हाइट कलर का लगा हुआ है। ये देखिए गाइस, ये व्हाइट कलर का जो है ये गियर बॉक्स है। तो ये गियर बॉक्स मोस्टली सेमी ऑटोमेटिक मशीनों में खराब हो जाता है और आज हम स्टेप बाय स्टेप, स्क्रू बाय स्क्रू, बिल्कुल डिटेल में इसको रिमूव करेंगे। तो वॉशिंग मशीन को रिवर्स होल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसका फ्रंट टैंक यानी कि टॉप, बॉटम एंड डाउन यानी कि एंड ऑफ द टॉप, दो टॉप लगे हुए इसमें। तो बैक साइड का जो टॉप है उसके स्क्रू यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं और रिमूव करके भी दिखा रहे हैं। इन सभी स्क्रू को हम वन बाय वन रिमूव कर लेंगे। ये देखिए गाइस, स्क्रू हम रिमूव कर रहे हैं वन बाय वन। इन सभी स्क्रू को एक एक करके रिमूव कर लिया जाएगा। ये देखिए, सभी स्क्रू वन बाय वन रिमूव किए जा रहे हैं। सभी के सभी स्क्रू हमने रिमूव कर लिए। बड़ी आसानी से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन सभी स्क्रू को अलग कर लेंगे। सभी स्क्रू रिमूव आउटर साइड है और तीन स्क्रू इनर साइड है। उसके बाद हम जो ये ड्रेन पाइप है इसको इससे अलग कर लेंगे। कुछ वायरिंग डाउन साइड में प्लग की हुई है इस चेसी में, जो डाउन साइड चेसी है रेड कलर की, वहां से कुछ वायरिंग को अलग करेंगे। एक मोटर का कैपेसिटर भी इसमें लगा हुआ है, उसको भी हम अलग कर लेंगे, जो कि इस वीडियो में सारा का सारा हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप दिखाने के चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी गाइस, तो आप जो स्क्रू रिमूविंग सेक्शन है उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो करीबन 25 से 30 मिनट का बनेगा। तो देखिए, अभी हमने ड्रेन पाइप को रेड वाले जो बैक चेसी है उसे रिमूव कर लिया हमने। इसके बाद इस चेसी के आउटर स्क्रू तो हमने रिमूव कर लिए थे, अब कुछ इनर स्क्रू भी लगे हुए, तीन स्क्रू, ये देखिए बीच में भी तीन स्क्रू लगे हुए हैं, मिडिल स्पॉट के लिए तीन इंटरनल स्क्रू भी इसमें लगाए गए। अब हम इन तीनों इंटरनल स्क्रू को भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो इसकी स्पिनर मोटर है उसके लॉक इसी चेसी में लगे हुए हैं, प्लास्टिक के लॉक है, वो भी इसी चेसी के अंदर लगाए गए हैं, उनको भी हम वन बाय वन रिमूव कर लेंगे। इसकी चेसी पर जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको भी हम वन बाय वन रिमूव कर रहे हैं। इंटरनली तीन स्क्रू मिले हमें जो मिडल में लगे हुए हैं, चेसी के बीच में लगाए गए हैं गाइस। इन स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे, ये अब चेसी अलग हो गई है। परंतु इसमें जो हमारी स्पिनर मोटर है, देखिए नीचे स्पिनर मोटर अभी भी इस डाउन चेसी में
प्लास्टिक के लॉक के जरिए, ये रहे वो प्लास्टिक के लॉक। हम स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज दिखा रहे हैं ताकि आप कुछ भी मिसिंग ना करें, और अगर आप इसकी वीडियो की मदद से इसको रिपेयर कर रहे हैं तो आपका कुछ भी नुकसान ना हो जाए। तो देखिए ये चार लैग लगे हुए नीचे, देखिए ये फर्स्ट लैग था, ये सेकंड लैग है। ये सभी को आप स्क्रू के जरिए, हाँ, इनको प्रेस कीजिए चारों को इंटरनल की तरफ, फिर ये मोटर, स्पिनर मोटर भी आपकी अलग हो जाएगी। ये आपके स्पिनर मोटर भी इससे रिमूव हो जाएगी। सभी प्लास्टिक के स्क्रू हम निकाल देंगे। ये चारों के चारों स्क्रू जैसे ही हम निकाल लेंगे गाइस, तो इसकी मोटर रिमूव होने के लिए रेडी हो जाएगी। परंतु मैंने आपको बताया था इसके डाउन चेसी के अंदर कुछ जो मोटर की वायरिंग आ रही है वो भी होल्ड की हुई है, तो जस्ट प्लास्टिक के कुछ लॉक लगे हुए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आप वायरिंग को भी इस चेसी में से रिमूव कर लीजिए। जो हमारी वायरिंग है उसको भी इस डाउन चेसी से हमें रिमूव करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने इसके स्क्रू रिमूव किए गाइस, उस स्क्रू आउटर साइड पे लगे थे, तीन स्क्रू बीच में लगे हुए थे। उसके बाद जो स्पिनर मोटर है उसकी लेग लगे हुए इसमें, और उसके बाद कुछ वायरिंग है उसको भी इस चेसी से अलग करनी है। अब ये चेसी डिफरेंट हो जाएगी, जो हमारी मोटर है वॉशिंग मोटर वो कैपेसिटर निकाल देने के बाद ये चेसी को नीचे रखना है, और चेसी में जो वॉशिंग मोटर है उसकी वायर लंबी है, उसे निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे आराम से आप रख भी सकते हैं। और उसके बाद आप के सामने ये हमने इसका फ्रंट और बैक दोनों टॉप अलग अलग कर लिया है। अब ये हमारी कूलिंग गरारी है और इसके नीचे हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का गेयर बॉक्स है गाइस। तो यहाँ पर ये जो गरारी है, जो पुली है, इसके अंदर छेद दिए हुए हैं जहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप केवल छह नट यहाँ पे लगे हुए हैवी नट है कॉपर के, ये रिमूव करेंगे। ये छह के छह नट आप यहाँ कॉपर के रिमूव कर देंगे तो आपका गियर बॉक्स निकलने के लिए रेडी हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर ये सभी नट हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रिमूव कर रहे हैं। सभी के सभी नटों को रिमूव करने के बाद ये गियर बॉक्स निकलने के लिए रेडी हो जाएगा गाइस। ये देखिए ये नट हम एक एक करके इस गियर बॉक्स के, इस चेसी से इस गियर बॉक्स को अलग कर देंगे। इस गियर बॉक्स के ऊपर ही जो वॉशिंग मोटर है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए बेल्ट के जरिए एक पुली लगी हुई है प्लास्टिक की, और उसके बीच में छेद दिए हुए गियर बॉक्स के नटों को रिमूव करने के लिए। तो बड़ी आसानी से ये सारे नट आप रिमूव कर लीजिए, और इसके बाद ये देखिए गियर बॉक्स रिमूव हो गया। परंतु वॉशिंग मशीन के इनर साइड जहाँ पानी और कपड़े वॉश किए जाते हैं वहां पर भी इंटरनली एक इसका रोटेटेबल डाउन साइड में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जिसे रिमूव करने के बाद ही गियर बॉक्स चेसी से निकलेगा, क्योंकि इसी गियर बॉक्स के इंटरनल पॉइंट पर वो लगा हुआ है। तो इसके लिए अभी वॉशिंग मशीन को हमें जो हमने उल्टी रखी हुई है इसको साइड में रखना पड़ेगा, और इस जो वॉशिंग टप है इसके अंदर एक नट खोलना पड़ेगा, और इसके बाद इसका इंटरनल पार्ट वहां से निकलेगा, और बैक साइड से फिर गियर बॉक्स को हम, ये देखिए ये यहाँ पे एक प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है रेड कलर का, ये आप किसी भी पतले टेस्टर के जरिए रिमूव कर सकते हैं। और ये एक स्क्रू लगा हुआ, एक सिंगल स्क्रू यहाँ पे लगा होगा गाइस, इस सिंगल स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से बड़ी ही इजी से ये इसको एक स्क्रू को आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए गाइस ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे रिमूव किया जा रहा है, और अब आप बैक साइड से इसके, ये एक स्क्रू खोलने के बाद बैक साइड से आप इसके गियर बॉक्स को निकाल लेंगे तो बड़ी आसानी से गियर बॉक्स बैक साइड पर निकल जाएगा और ये इंटरनल टप में रह जाएगा।
इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और हमने वाल पूल की 8 kg की ये हमने रिमूव कर लिया गाइस, ये निकल गया है। ये गेयरबॉक्स है पुराना और ये इसकी पुली है, और ये नया गेयरबॉक्स जो मार्केट में केवल हमें 300 rupees का मिला है। अगर आप इसको किसी सर्विस सेंटर पे लेके जा रहे हैं और ये 1000 से 1200 rupees के आसपास वो आपसे क्लेम करेंगे इस काम के लिए, लेबर प्लस इस गेयरबॉक्स के। और जबकि ये मार्केट में आम जो वॉशिंग मशीन के पार्ट्स रखते हैं वहाँ पर आप हर कंपनी का जो इंटरनल गेयरबॉक्स रिमूव करके ले जाएंगे वो दिखाएं तो आपको सेम मॉडल का सेम कंपनी का नया गेयरबॉक्स दे देंगे। सो ये गेयरबॉक्स हमें हमारे एरिया में एरिया टू एरिया थोड़ा बहुत रेट क्वेरी कर सकता है, अप डाउन कर सकता है, बट हमारे एरिया में ये गेयरबॉक्स 300 rupees में अवेलेबल है। तो मात्र 300 rupees में आप घर पर ही अपनी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई लंबी छोड़ी गेम नहीं है। ये जो पुली है ये पानी के साथ जर खाके ये जो स्क्रू है इस पुली का, एक सिंगल स्क्रू है, ये गेयरबॉक्स को अलग करेगा। ये थोड़ा टाइट हो गया तो हम इसे 13 नंबर की चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ी आसानी से खुल जाता है, इतना जोर नहीं लगता, बट ये काफी टाइम से मशीन चल रही थी और पानी और उसकी वजह से जर खा गया था, तो हमें प्रॉपर थोड़ा सा इसको ताकत लगा के खोलना पड़ रहा है। अदरवाइज गाइस ये बड़ी इजी खुल जाता है। अभी हम नई पे दिखाएंगे आपको लगा के इस पुली को। तो ये गेयरबॉक्स अलग होता है गाइस और पुली अलग होती है। तो पुली का जब भी सी कोई खराबी नहीं होती, फिजिकल डैमेज कोई चेंज होती है, तो पुली आपकी प्रॉपर सही पड़ी है इस वॉशिंग मशीन की। तो केवल हम इस पुली को इस एक स्क्रू से गेयरबॉक्स का डाउन साइड से रिमूव कर लेंगे और फिर ये हम नए गेयरबॉक्स पे लगा देंगे। तो ये पुली हमने रिमूव करके नए गेयरबॉक्स पे लगा लिया, और अब ये देखिए इस तरह से गेयरबॉक्स यहाँ पे हम रीइंस्टॉल करते हैं। ये हमने गेयरबॉक्स यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये पुली देखिए रोटेटेबल है बड़ी इजी से। जिस तरह इन छेदों की मदद से हमने इस गेयरबॉक्स के पॉइंट्स को रिमूव किया था, उसी तरह से हम इसे प्लग कर लेंगे गाइस। जैसे ये रिमूव हुआ था उसी तरह से इसे प्लग किया जा रहा है। तो देखिए गाइस बड़ी आसानी से सभी के सभी स्क्रू हम इस पे लगा देंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने ये पुली पहले ही टाइट कर ली, आप इस जो पुली वाला नट है इसको रिमूव करके ये पुली अलग हो जाएगी, आप गियर को बड़ी आसानी से भी लगा सकते हैं मशीन के साथ, और बाद में उस पर पुली कस के ये एक सिंगल 13 नंबर चाबी से कसा जाता है, इस नट को आप कस सकते हैं। चाबी की जरूरत नहीं है गाइस, प्लास के जरिए भी इस नट को हटाया मतलब टाइट या कम किया जा सकता है। अगर आपके पास 13 नंबर की चाबी नहीं है तो एक पेचकस और एक प्लास की मदद से भी ये काम किया जा सकता है। पेचकस की मदद से आप पूरी मशीन के स्क्रू रिमूव करेंगे और प्लास की मदद से इस नट को आप रिमूव कर सकते हैं गाइस। देखिए आपके सामने बड़ी इजी तरीके से हम इस पे जो स्क्रू हमने गेयरबॉक्स के वॉशिंग मशीन से निकाले थे इनको हम वापसी लगाने जा रहे हैं, और ये सभी के सभी स्क्रू लग रहे हैं। तो गाइस वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, वो घर के बाकी काम काजों की वजह से है, तो प्लीज इग्नोर करना उसे। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड है घर में, उसकी वजह से ये आ रहे हैं। एक्चुअली हम यूट्यूब पर नए हैं, हमारे लंबे चौड़े कोई सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही ज़्यादा वॉचिंग आवर है, तो हमारे पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, साउंड प्रूफ स्टूडियो। तो धीरे धीरे हम आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लेकर आ रहे हैं, और आप उनको प्रेम प्यार दीजिए, उनको वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। हम जो भी छोटे छोटे घरों पर नॉर्मल टेक्निकल काम करते हैं उनकी वीडियोस अपने इस चैनल पर लेके आते हैं, जस्ट टेक्निकल चैनल पर, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी और रोज भी पर्रा की ज़िंदगी में जो इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में यूज़ होते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए। हम कुछ टेक्निकल नहीं है, बट हम ये इंडिया में एक पर्सन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हर काम के लिए पर्सन अवेलेबल है, जबकि विदेशों के अंदर या तो चीज़ों को यूज एंड थ्रो किया जाता है या वहाँ पर जो व्यक्ति है वो खुद ही उन चीज़ों को रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस हमारे इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि एक छोटी सी तार भी जोड़नी है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, एक छोटा सा पानी का टैप लगाना है तो प्लम्बर को बुलाओ। व्हाई फॉरेन के अंदर इतने बड़े बड़े
वर्किंग भी, अभी तू अपना घर डिजाइन करना है, पेंट करना है, बहुत कुछ वहां के लोग खुद ही सेल्फ मेड ही कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन रिपेयर करना है, इसका गियर बॉक्स चेंज करना है, इसको मैनुअल पढ़ो और इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, आप कर सकते हो। तो इसी के लिए हम आपके साथ ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारे घरों में यूज हो रही है उसके लिए ये छोटे छोटे टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं गाइस। तो आपका बस चैनल पे प्रेम प्यार दिखाएं और चैनल को प्यार दीजिए। चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। हम प्योर हिंदी लैंग्वेज में वीडियोज आपके लिए बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वजह से थोड़े वीडियोज लेंथी बड़े हो जाते हैं, तो जो हम स्क्रू रिमूव कर रहे हैं, स्क्रू कस रहे हैं, जहाँ आपको देखना है वहाँ आप वीडियो को कर सकते हैं स्टॉप, वरना फास्ट मोड पे या थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं। आपको जहाँ पर सूरत है वहाँ पर वीडियो को स्लो में देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं गाइस। तो आप देखिए बड़े इजी से अपने गियर बॉक्स को बड़ी आसानी से, कोई मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल इस तरह के वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है वॉशिंग मशीन का, जस्ट ये हमारे घर पे वॉशिंग मशीन थी उसमें प्रॉब्लम आ रही है हम उसे कर लेते हैं। ऐसे जो छोटे मोटे घरों के काम है वो हम खुद ही कर लेते हैं। अब इसके लिए इंजीनियर भी बुला सकते थे जो वॉशिंग मशीन का इंजीनियर है, बट वो क्या करता गाइस, यही चार्जर वो खोलता और वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स प्लग कर देता। ये हम बैक टॉप के जो हमने इंटरनली 3 नट खोले थे उनको रिवर्स में मैं टाइट कर रहा हूँ गाइस। ये इंटरनली 3 नट्स है, इसके बाद इसके आउटर के सभी स्क्रू को हम टाइट कर देंगे इसके साथ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउन साइड पे रेड कलर का जो बटन है उस सब्सक्राइब बटन को आप दबाएं और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपके लिए जो बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता लगता रहे कि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आ रहा है आपके पास। तो गाइस चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन कंप्यूटर से रिलेटेड और भी जितने भी टेक्निकल वर्क्स हम करते हैं हम उनका वीडियो शूट करेंगे और आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे गाइस। तो बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लेके आए वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वर्लपूल का 8 kg का, और इसका हमने आपको फुल्ली हिंदी ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप पूरी मशीन को रिमूव करके उसका गियर बॉक्स पुराना हमने रिमूव किया, मार्केट से हम नया गियर बॉक्स लाए और वो हमने मशीन में इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में आपको प्लग करके दिखाया। और अब ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी वर्किंग करने के लिए। गाइस ये आपके सामने देखिए, अब ये आउटर साइड पे जो भी जितने भी स्क्रू इसी वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप रिमूव किए थे वो सभी के सभी स्क्रू इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्लग करने जा रहे हैं। तो देखिए गाइस ये कैसे चल रहा है, बिल्कुल इजी बिल्कुल आसान तरीके से है, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बड़ी आसानी से हम इसको प्लग कर रहे हैं। बड़े इजी तरीके से, जितने इजी तरीके से हमने इसे डिसेंबल किया था उसी उतने इजी तरीके से हमने इस मशीन को असेंबल कर लिया है, और बड़े स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप हमने स्किप नहीं किया, कोई वीडियो अनकट नहीं की, बिल्कुल जब मार्केट में गियर बॉक्स मिल गए थे केवल उतना ही वीडियो हमने स्किप किया था, बाकी सभी का सभी वीडियोस हमने अनकट है, सभी के सभी स्क्रू हमने इसके लगा दिए हैं। ये गाइस जो वो मोटर थी उसका कैपेसिटर है, इसको वापसी बोर्ड है डाउन साइड चेसी में हमने प्लग कर दिया है वॉशिंग मशीन की, और ये वायरिंग जो हमने छोटे छोटे लॉक से निकाली थी डाउन साइड, ये सभी वायरिंग को हम वापसी प्लग कर देंगे उन्हीं लॉक्स में जो इस डाउन साइड इस पॉइंट्स पे बने हुए हैं, सभी के सभी वायरिंग को, ताकि कोई वायरिंग मोटर के मूविंग के दौरान उसके अंदर ना फंस जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, इसके लिए नीचे वाली चेसी में स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट बने हुए हैं, उन्हीं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को हम वायर्स के जरिए प्लग करने जा रहे हैं। अब गाइस ये सारे वायरिंग स्टेप बाय स्टेप हम जो जो इस वीडियो में हमने किया
वो विदाउट अनकट हम पूरा वीडियो के अंदर कैप्चर करके लाए हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो इसकी असेंबल और डिसेंबल करने में गेयरबॉक्स और वॉशिंग मशीन को। तो सारी वायर्स हमने दोबारा प्लग कर दी है और अब हम इसकी वॉशिंग मोटर और वॉशिंग पुली की जो बेल्ट है उसको लगाने जा रहे हैं। तो पहले आप इसको मोटर पे चढ़ा लीजिए क्योंकि मोटर वाली जो कूलर पुली है वो छोटी है और जो प्लास्टिक है वो बड़ी है। तो बाद में इसे आराम से ग्राउंड की दीजिए कि पुली अपने आप रोटेटेबल दोनों पे प्लग हो जाएगी और आप इसे रिमूव करके देखिए ये भी टाइट ना हो कि कहता है। ये हमने ड्रेन पाइप को वापसी वॉशिंग मशीन के डाउन चेसी में लगा दिया है। ये वॉशिंग मशीन अब रेडी है, इसको हमने सीधा कर लिया है और हम सीधा करने के बाद ये देखिए वॉशिंग मशीन के बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। अब हम इसके इंटरनली जो वॉशिंग एरिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं गेयरबॉक्स का इनर ग्रारी जो पॉइंट है वो अवेलेबल हो गया। इसमें जो डस्ट कण है या जो कंक्रीट है वो हम अपने हाथ से निकाल रहे हैं ताकि जब इसमें ये प्रोपेलर लगाया जाए तो ये रगड़ ना खाए नीचे की चेसी से। तो सारे जो कंक्रीट पार्ट्स है उन्हें हटा दिए हैं। अब इसको इसके ऊपर हल्का सा रखने के बाद इसमें ब्लॉक सिस्टम बने हुए हैं प्लास्टिक में भी और नीचे गेयरबॉक्स की बीच में। इसको रखने के बाद हल्का सा प्रेस करें, उसके बाद जैसा कि सिंगल नट हमने पहले भी डिसेंबलिंग के समय आपको दिखाया था तो सिंगल नट यहाँ इधर सेंटर पॉइंट पे हम लगाने के बाद टाइट कर देंगे। ये आपकी वॉशिंग मशीन अपने वॉश करने के लिए रेडी है। ये वो स्क्रू हम रिवर्स टाइट कर रहे हैं गाइस, इसको हमने टाइट कर दिया। तो बेहद ही इजी और बेहद ही आसान तरीके से हमने इस वॉशिंग मशीन को गेयरबॉक्स को वॉशिंग मशीन डिसेंबल और असेंबल करके हमने गेयरबॉक्स को चेंज कर दिया है और अब इसके ऊपर जो कैप है लॉक कैप इस नट को जरना है वो लगा देंगे गाइस। तो ये कंप्लीट वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन हो गई है। देखिए गाइस वॉशिंग मशीन तैयार है काम करने के लिए। अब इसके बैक पे जो एक कवर है वो हम लगाने के बाद उसमें करीबन 5 से 6 नट है उनको स्क्रू ड्राइवर के जरिए अब फिर से टाइट कर देंगे ताकि बैक कवर भी इसका वापसी लग जाए। डिसेंबलिंग के समय हमने सबसे पहले ये गत्ते का जो हल्का प्लास्टिक का कवर है इसको ओपन किया था। फिर मशीन दो सेक्शन में थी, एक फ्रंट और एक डाउन। तो फ्रंट सेक्शन को हमने मशीन को उल्टा करने के बाद फ्रंट सेक्शन नीचे ले आए थे और डाउन सेक्शन के सारे स्क्रू रिमूव करके डाउन सेक्शन को अलग कर लिया था। वहां से हमने गियर सेक्शन वहाँ जो फ्रंट सेक्शन में कसा हुआ है इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया है उसके सभी स्क्रू करके हमने गियर बॉक्स और उसके गियर पुली को हमने निकाल लिया था और मार्केट से हम मात्र 300 रुपीज में इसका नया इसी मॉडल का नई गियर बॉक्स ले आए थे दिखा के और वो गियर बॉक्स हमने इसमें लगा दिया। तो 90% जो वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम्स आती है वो गेयरबॉक्स की वजह से ही आती है। ये आती क्यों है, जब वॉशिंग के समय वॉशिंग में अंदर प्लास्टिक की बॉडी में एक मेजरमेंट दिया हुआ है मीडियम लेवल पानी, लो लेवल पानी एंड हाई लेवल पानी। तो जब आपके कपड़े कम है तो आप मिनिमम वॉशिंग मशीन में लो लेवल पानी मेंटेन कीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम वॉशिंग में गेयरबॉक्स क्यों खराब होते हैं गाइस, हम सबसे पहले क्या करते हैं वॉशिंग के दौरान हम पहले वॉशिंग मशीन ब्लैंक का खाली है टब उसमें अपने कपड़े डाल देते हैं फिर उसमें पानी फिल करते हैं। जब पानी फिल होता है तो वो कपड़े हैवी हो जाते हैं और पानी का लेवल भी हमें नहीं पता लगता कि मिनिमम कितना लेवल है। ये देखिए गाइस वॉशिंग मशीन रेडी है। तो वो लेवल कम होने की वजह से ही वॉशिंग के गेयर बॉक्स पे वजन आ जाता है, लोड आ जाता है और उसकी ग्रारियां टूट जाती है। तो गाइस कोशिश यही है कि जब भी वॉशिंग मशीन को यूज करें तो पहले उसका कपड़ों के हिसाब से मिनिमम लेवल पानी मेंटेन कीजिए एल एम एंड हाई, लो लेवल मीडियम लेवल एंड हाई लेवल, उस लेवल का पानी मेंटेन कीजिए। उसके बाद उसमें वन बाय वन कपड़ों को डालिए और अपितु गाइडलाइंस तो ये कहती है कि पहले उस पानी में सर्फ डालिए उसके बाद वॉशिंग मशीन को ऑन कीजिए रोटेशनल शुरू कीजिए ताकि सर्फ पानी में घुल जाए। ये देखिए मैं हाथ से इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर ये किसी भी डायरेक्शन में रुक नहीं रहा है। पहले जब हम शुरू में थे ये एक डायरेक्शन में सही घूम रहा था, रिवर्स डायरेक्शन में फेल हो जा रहा था। तो जब कपड़े से धोते थे तो ये फेल होता था और कपड़े नहीं धुकते थे।
बैगर बॉक्स लगाए पूरी ताकत के साथ, कपड़ों को वाश कर रहे हैं और कपड़े और वॉशिंग ओके कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उससे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लें, कुछ ना कुछ सीखें। और गाइस अगर आप इस वीडियो के ट्यूटोरियल से अपने वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स चेंज कर पाते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हमें खुशी होगी। और गाइस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। गाइस ये पूरा ट्यूटोरियल हमने स्टेप बाय स्टेप अनकट हिंदी में दिया। गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय एंड धन्यवाद। गाइस वीडियो के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। We'll be right back.